अस्सलामुअलैकुम जी। जावेद चौधरी साहब के प्रोग्राम में अफनानुल्लाह जो कि सेनेटर हैं मुस्लिम लीग नून के, और इमरान खान साहब के जो वकील हैं मरवत साहब, ये दोनों इनवाइटेड थे और इन दोनों की जो लड़ाई हुई इसकी पूरी वीडियो डेली पाकिस्तान को मौसूल हो गई है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो जावेद चौधरी साहब हैं इन दोनों से जो है इंटरव्यू कर रहे हैं, जिसमें ये दोनों आपस में क्रॉस टॉक इनकी स्टार्ट होती है, जिसमें अफनानुल्लाह साहब इनको कहते हैं कि जो बूट हैं वो बूट कभी नवाज शरीफ ने जो है वो कभी साफ़ नहीं किए, बल्कि जो इमरान खान है तुम्हारा जो लीडर है इसने किस जनरल के बूट चाटे नहीं हैं, पॉलिश करना तो बहुत दूर की बात है। जिस पर वो कहते हैं कि इमरान खान ने किसी के बूट जो है वो नहीं चाटे या पॉलिश की, बल्कि तुम्हारा लीडर और उसका जो ख़ानदान है वही ये तमाम की तमाम हरकत करता है। जिस पर फानुल्लाह साहब कहते हैं कि परवेज़ मुशर्रफ से लेकर कोई एक ऐसा जनरल बताएं जिसके आगे जो है इमरान खान साहब ने ये तमाम हरकत ना की हों, तो इस पर वो कहते हैं कि तुम्हारा बाप जो था, जो मरवत है मरवत साहब उनको कहते हैं, और वो भी उनको फिर आगे से कहते हैं नहीं तुम्हारा बाप जो था वो, दोनों एक दूसरे के माँ बाप पे चले गए, और उसके बाद क्या हुआ कि वो खड़े हुए मरवत साहब और उन्होंने गुस्से में उनको जो है वो घोंसा मार दिया। अफानुल्लाह साहब ने एक बड़ी गाली दी थी इनके लीडर को, इन्होंने कहा था कि तुम्हारा जो लीडर है वो गाली दी थी, मैं वो गाली रिपीट भी नहीं यहाँ पर करना चाह रहा। तो जिसके बाद जो है अफानुल्लाह साहब ने उनको पीछे की तरफ धकेला, धकेलते धकेलते वो टेबल के नीचे गिर गए और अफानुल्लाह साहब टेबल के ऊपर आ गए। आपने सारी ज़िंदगी अंडर द टेबल डील्स तो सुनी होंगी, लेकिन अंडर द टेबल पॉलिटिशियंस की जो लड़ाई है या अंडर द टेबल ये जो फाइट है वो नहीं देखी होगी। तो ये वो फाइट है जिसमें जावेद चौधरी साहब को माइक लगा हुआ था और बड़ा मुश्किल होता है एंकर के लिए खड़ा होना और उसके पास जाना, उनको छुड़वाना, लिहाजा उन्होंने आवाज़ें देना शुरू कर दी और उनका कुछ स्टाफ आया और उसने आकर जो है बीच बचाव करने की कोशिश की। एक लड़के ने अफानुल्लाह साहब को उठाया और जिससे बज़ाहिर यही लग रहा है अफानुल्लाह साहब मरवत साहब के ऊपर थे और ये शायद उनको मार रहे थे। अब ये अंडर दी टेबल ये लड़े थे या ये कोई यमंडस कर रहे थे, दबरदूस कर रहे थे, यबड़ गेलियाँ कर रहे थे, या प्यार की मुख्तलिफ स्टेजेस क्रॉस कर रहे थे, या इन्होंने कोई प्यार की स्टेज पार कर ली थी, ये दोनों लोग ही बता सकते हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि शायद इनकी लड़ाई ना हो, क्योंकि पॉलिटिशियन इस तरह के बाद में बयान दे देते हैं, हो सकता है इन्होंने एक दूसरे को कोई गर्दन पे काटा हो, लव बाइट हो गई हो या कोई बोसो किनार हो रहा हो। तो मुझे ये बताएं ये दोनों नेशनल टेलीविजन पर बैठकर ये क्या पैगाम दे रहे हैं, पूरी यूथ जो इनको सुनती है वो क्या सोचेगी कि पाकिस्तान की लीडरशिप ऐसी है जिसमें इतनी गंदी गलीज गालियां देते हैं, वो कहता है तुम्हारा बाप ऐसा है, वो कहता है तुम्हारा बाप ऐसा है। तो आप क्या आने वाली लीडरशिप को, आने वाली यूथ को पैगाम दे रहे हैं कि सियासत इस तरह का गंद बन चुका हुआ है कि जहाँ पर आप नेशनल डिबेट हो रही हो और नेशनल टेलीविजन पर बैठ कर आप एक दूसरे को गंदी गलीज गालियाँ दे रहे हैं, आप उसके लीडर को कह रहे हैं वो बूट पॉलिसी है, वो उसके लीडर को कह रहा है कि वो बूट चाटता है, वो कहता है वो तुम्हारा वह बाप है, उसका मरा हुआ बाप है, वो उसको कह रहा है, वो उसको कह रहा है वो कि तुम्हारा बाप क्यों करता है। तो मतलब ये इनकी तरबियत का फुकदान जो है लीडरशिप का वो वाजे तौर पर नज़र आ रहा है। तो मैं ये दोनों पार्टीज़ के सरबराहान से कहूँगा कि कम से कम अपनी जो पार्टी के लोग हैं उनकी थोड़ी बहुत तरबियत उनको ज़रूर करनी चाहिए। चलें अफानुल्लाह साहब जो हैं अगर उन्होंने कुछ कह भी दिया तो वो मुँह से कह रहे हैं ना, मरवत साहब को उन पर हाथ चलाकी नहीं करनी चाहिए थी, हाथापाई नहीं करनी चाहिए थी, फिर उसके नतीजे में वो थले ते उत्ते थले की हो रहा है, इनका फैसला तुम कॉमेंट सैक्शन से दसना। थैंक यू।